हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतीक्षा। सो मैंने एक टेस्ट दिया था, IBPS RRB वीओ का एक अड्डा में लाइव मॉक चल रहा था, तो उसका मैंने टेस्ट दिया था। तो वेल, आई वुड से कि वो आपके एग्ज़ाम का लेवल बन सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम जो दिया था ऑलमोस्ट सेम ही था। ऑल दो उन्होंने क्वेश्चन रिपीट किए हैं, बट लेवल कहीं ना कहीं सेम था। सो हम देखते हैं उसका रिजल्ट क्या किया है मैंने। वैसे मैंने शॉर्ट्स में ऐड किया था, बट अभी पूरा एनालिसिस। तो अभी जैसे कि देख सकते हो, मार्क्स मेरे जो है वो 65.50, एंड मेरे जो रैंक है वो 189 है। टाइम मैंने स्पेंड किया है 43 मिनट्स 38, लेकिन मैंने एक्चुअली पूरा 45 ही स्पेंड किया है, मैंने स्किप नहीं किया था कुछ भी, लेट इट बी। परसेंटाइल मेरा 98.5 है, एंड एक्यूरेसी मेरे 97 है। तो हम इसके जो सेक्शन वाइज रिपोर्ट है उस पर चलते हैं। रीजनिंग में जैसे आप देख सकते हो 38.75, मैंने 40 out of 40 अटेंड किया था, एक गलत हुआ है, और मैंने बस 16 मिनट में पूरा ख़त्म किया था। एक्चुअली हमें मैंने 17 मिनट में ख़त्म किया था, बट पता नहीं। ठीक है, तो उसके बाद क्वांट देखते हैं। क्वांट मेरे 26.75 है, मैंने 28 अटेंड किए थे, और मेरा यहाँ पे जो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा है 28 अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये मेरा सेक्शन वाइज था रिपोर्ट कि जैसे कि मैं देख सकते हो रीजनिंग में काफ़ी स्ट्रांग है मेरा अभी भी, तो थोड़ा सा मुझे क्वांट में और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने क्वांट को ज़्यादा टाइम दिया था। मैंने ऑलमोस्ट 28 मिनट्स दिए थे क्वांट को, लेकिन उससे ज़्यादा होने चाहिए थे, एटलीस्ट 30 प्लस तो जाने चाहिए थे। तो दैट विल बी। तो सोल्यूशन पे चलते हैं, क्या क्या हम मेरी जो है वो गलती रही है इसमें। वेल, अड्डा आपको बहुत सही क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाता है, ऑल दो उन्होंने क्वेश्चन रिपीट किया है। मुझे जैसे लगा कि मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी दिया हुआ था। तो रीजनिंग में जिस आप जैसे देख सकते हो, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में उन लोग का आ चुका है। पहले पहले नहीं था, मैंने एक दो दिया था उससे पहले भी, तो अभी वो आ चुका है। तो अभी मेरा ये वाला गलत हुआ है, एक सलोक का एक्चुअली मेरा थोड़ा बहुत गलत हो जाता है, तो आई ऑलमोस्ट प्रेफर कि मैं उसे लास्ट में करूँ या फिर ना ही करूँ। तो ठीक है, तो एक मेरा गलत हुआ था। फिर उसके बाद मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, एक मिनट, ये वाला नहीं है, उससे आगे वाला है। नहीं, ये भी नहीं। देखो, मैं बता दूँ कि अड्डा कहाँ पे गलती करता है, इससे आगे वाला के आगे वाला में है। दिस वन, देखो यहाँ पे जैसे कि ये वाला एक्चुअली ना, मतलब मैं बताती हूँ आपको, जैसे कि ओ ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी, मतलब ओ से लेकर हमको टी तक जाना है, जो कि हम नहीं जा सकते, क्योंकि ओ पे ओ और पी में लेस देन का सिंबल है। टी टू पी भी हम नहीं जा सकते, तो इसका जो आंसर होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं आइदर नॉर होना चाहिए था, तो यहाँ पे आइदर नॉर है। और इसने जो आंसर, मतलब मैंने ये गलती से क्लिक किया था, मैंने आइदर नॉर की जगह गलती से आइदर नॉर कर दिया था, लेकिन यहाँ पे देखो वो एन करके इसको सॉल्व किया है, जबकि क्वेश्चन में पी दिया हुआ है। तो बहुत ऐसे गलतियाँ करता है अड्डा, छोटी छोटी, मतलब बहुत ऐसे लिमिट्स, उसको पता भी नहीं होते कि आइदर नॉर केसेस कहाँ पर बनते हैं, ये भी कभी कभी अड्डा को पता नहीं होता। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो कि 2019 से मैं देखती आ रही हूँ, अभी तक इसमें कोई भी सुधार नहीं। तो ये था हमारा टोटल रीजनिंग, उसके बाद हम मैथ्स में चलेंगे। रीजनिंग बाकी कुछ मेरा सब कुछ सही है, तो हम मैथ्स में चलते हैं। मैथ्स में मेरा ये वाला मैंने छोड़ दिया था, ये थोड़ा लेंदी था एक्चुअली, ये पहला वाला, सॉरी, हाँ ये पहला वाला मैंने छोड़ दिया था। देखो यहाँ पे आप देखोगे तो 18 ईयर से बिलो वालों का नंबर्स दिए हुए हैं, और ये 18 वाले एवर एंड मेल। तो मैं जब क्वेश्चंस देखे तो थोड़े मुझे डिफ़िकल्ट, मतलब यू नो, कैलकुलेटिव लगे, तो मैंने क्या स्किप कर दिया इसको। फिर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, ये तो खैर थोड़ा इजी था, फिर ये वाला मेरा गलत हुआ था। ये वाला एक्चुअली मेरा R5 आया था, तो मैंने 5 + 5 = 10 किया था, यहाँ पे R10 आया हुआ है। एक मिनट, अच्छा हाँ, अच्छा 10 ही आएगा। 3R + 10 = 2R, 3R - 2R = 10 ऐसा करके आएगा, है ना। मैंने उसको 5 कर दिया था, तो इसलिए मेरा यहाँ पे जो आंसर है वो 10 आ गया। R + 5, मतलब मैंने 5 + 5 कर दिया था, इसलिए मिस्टेक था ये अच्छे से हो सकता था, पूरा 100% एक्यूरेसी मेरा बन सकता था, बट ठीक है। तो इतनी गलती थी, और तो कोई गलत है नहीं। तो यहाँ पे जैसे कि ये वाला स्किप किया था एक्चुअली ना, ये भी थोड़ा कैलकुलेटिव है। अगर आप देखोगे तो मुझे लगा था दोनों मिला के आंसर आएंगे, फिर पता, मतलब मन में ऐसा लग रहा था आए नहीं आए, और ये सारे क्वेश्चंस मैंने स्किप कर दिए, मैंने देखे ही नहीं, मुझे टाइम ही नहीं मिला था।
कम्प्लीटली टाइम नहीं मिला था, अच्छे क्वेश्चन थे जैसे ये मैंने स्किप किए थे। और क्या, उतना ही था, बस इतना ही था। मेरा अच्छा गया था एग्ज़ाम और ऐसे लेवल आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे। एक दो शिफ्ट में भी हार्डर यू नो आ सकता है, बट नॉर्मली यही शिफ्ट में आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप सब भी ये वाला ज़रूर अटेंड करना, फ्री वाला अभी भी अवेलेबल है, और अपने मार्क्स भी शेयर करना ताकि आपको पता चले कि आपका एक्चुअली में कैसा प्रिपरेशन जा रहा है, क्योंकि लेवल इसी के अकॉर्डिंग ही रहेगा। आई होप कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, एंड ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, मेरे को वहाँ पे फॉलो भी करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।